हेलो दोस्तों, टेक टू बू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट करेंगे रियलमी 3 प्रो के साथ आए हुए इस फास्ट चार्जर की, जो कि है VOC चार्जर, जो कि रियलमी अपने रियलमी 3 प्रो के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके साथ में हमें ये चार्जर दे रहा है, जो कि VOC क्विक चार्ज 3.0 सपोर्टेड है। तो इसको दोस्तों हम टेस्ट करेंगे कि ये चार्जर इस रियलमी 3 प्रो को कितनी जल्दी चार्ज कर देता है और कितना टाइम टोटल लेता है इसको 100% चार्ज करने में। दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये रियलमी 3 प्रो में अराउंड 20-25 दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए, तो कुछ रीजन की वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो नहीं डाल पाया था, लेकिन इसका ओवरऑल एक रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू और एक डेडिकेट कैमरा रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले इसका जो क्विक चार्जर साथ में आता है, कितना ज़्यादा फास्ट ये चार्ज कर देता है रियलमी 3 प्रो को, ये मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, करंटली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो रियलमी 3 प्रो है मेरा, इसको मैंने डिस्चार्ज कर दिया है ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हैं ये इस वक्त 5% चार्जिंग पे, यानी खाली 5% बैटरी बची हुई है इसके अंदर। तो इसे स्टार्ट करूँगा मैं चार्ज करना 5% बैटरी के साथ में। साइड में एक मैं वॉच भी लगा दूंगा जिससे आपको टाइम दिखता रहे, और बीच बीच में थोड़ा मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो जाहिर सी बात है इतनी देर लगेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो चार्जर है थोड़ा बल्कि सा है, मोटा सा है, और इसके ऊपर मैं करंट रेटिंग दिखा दूंगा आपको क्या दे रखी है इसके ऊपर करंट की रेटिंग्स। और इस पर करंट की रेटिंग्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा है 5 वोल्ट = 4 एम्पियर, यानी कि ये 5 वोल्ट 4 एम्पियर का जो है इसमें आउटपुट दे रखा है। सो दोस्तों, फाइनली मैंने इसे कर दिया है कनेक्ट इसके चार्जर से, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है सॉकेट के अंदर, और ये साइड में वॉच चल रही है इसे आप देख सकते हैं। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा बीच में और स्किप भी कर दूंगा। तो एग्जैक्ट 4 बजने वाला है, 4 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, तो एग्जैक्ट हम 4 PM से स्टार्ट कर देंगे इसको, और 1 मिनट बाकी है अभी। ऑलराइट गाइस, तो 4 बज रहा है, आप जैसे देख सकते हैं अब 4 बजे से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया इसके सॉकेट का, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और अब करंटली ये दिखा रहा है इस वक्त यहाँ पे VOC यहाँ पे लिख के आ गया। आप देख सकते हैं 5% इस वक्त मोबाइल की चार्जिंग है, बैटरी खाली 5% चार्ज है और VOC लिख के आ गया, तो अब ये चार्ज हो रहा है और टाइम ये चल रहा है। तो अब हम इसे देखते हैं कि कितनी देर में आखिर ये जो है इस फ़ोन को चार्ज कर पाता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अराउंड 22 मिनट्स हो चुके हैं, और 22 मिनट्स में आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये ऑलमोस्ट जो है 40% जो है चार्ज हो चुका है, यानी कि 22 मिनट के अंदर ये 40% चार्ज हो गया, यानी कि 5% पहले ही था तो 35% चार्ज हो गया। तो बहुत सही है दोस्तों कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जल्दी कहीं जाना है तो ये 20 मिनट के अंदर, अराउंड 20 से 22 मिनट के अंदर अराउंड 35% आपका फ़ोन चार्ज कर देगा। तो बहुत सही है, बहुत से चार्ज कर रहा है, और पूरा देखते हैं कि फाइनली कितनी देर लगाता है टोटल इसे 100% चार्ज करने में। सो लेट्स सी, इसको अभी और चार्ज होने देते हैं हम। सो गाइज, द राइट नाउ द टाइम इज़ 5:04, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 4 मिनट हो चुका है, और 5 मिनट ही होने वाला है ऑलमोस्ट, यानी कि 1 घंटा मान लेते हैं हम बाई डिफ़ॉल्ट। तो अब मैं आपको दिखाऊँ ये कितना चार्ज हो चुका है 1 घंटे में अराउंड। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये अराउंड 5:04 में 93% चार्ज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट 90%, यानी कि 5% पहले था ये चार्ज। तो 1 घंटे के अंदर हम मान लें यानी कि 88% ये पूरा चार्ज हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, 1 घंटे में 88% चार्ज हो चुका है, और ऑलमोस्ट यानी कि 15 मिनट मेरे ख्याल से और लगेंगे इसे चार्ज होने में। देखते हैं कितनी देर और लगती है मैक्सिमम इसे चार्ज होने में। 94% बढ़ गया फिर से, और 7% रह गया ऑलमोस्ट ये 5:05 के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में घड़ी पे। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं ये मैंने चार्जिंग रोक दी है, और जस्ट ये 15:19 हो रहे हैं और ये फ़ोन जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लाइट भी चली गई एक्चुअली मेरी, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूँ खुल गया भाई 100%, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 100% चार्ज हो चुका है बिल्कुल, और टाइम हो रहा है 5:19। तो ये ऑलमोस्ट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के अंदर, और 20 मिनट भी नहीं कहूँगा बल्कि ये 5% तो चार्ज था, तो 1 घंटा 10 मिनट में मैं कहूँगा इस VOC चार्जिंग ने इसे पूरा चार्ज कर दिया है। वेल गाइस, सो ये था रियलमी 3 प्रो का चार्जिंग टेस्ट। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगा तो जल्दी से लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन बटन दबा दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेरों ऑसम टेक वीडियोज लेकर के अपने चैनल के ऊपर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।